बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू उमर वकार व्लॉग। सबसे पहले आपको इस नया इस्लामी साल हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और हज़रत, आज हम दोबारा से आ गए हैं इतवार कार बाज़ार। और जैसे कि आपको पता है कि खामियां हम ढूंढेंगे, अच्छाइयां मालिक बताएंगे, तो मैं आपके लिए यह हायरूफ ले आया हूँ। और ये आपको मैं दिखाता हूँ, हायरूफ 2008 का मॉडल है। 4,40,000 रुपये फाइनल डिमांड हो जाएगी अगर आप हमारा नाम लेते हैं। तो जिन भाई ने फेसबुक के ऊपर रिक्वेस्ट की थी कि जो है यार हमें 2010 के मेहरान दिखा दें, तो भाई जो है 2010 के मेहरान आप लोगों के लिए निकाल दिए, आपको दिखाता हूँ ओवरऑल व्यू। तो भाई ये मेहरान लेके आए हैं जी, 2010 का मॉडल, 2010 का मॉडल है। क्या डिमांड रखी हुई है? 5 लाख रुपये डिमांड है। 5 लाख रुपये डिमांड रखी। कितने में देने का इरादा रखे आए हैं? बस जो जायज ऑफर होगी इंशाल्लाह दे देंगे। 4.5 तक के मूड में? इतना नहीं, इतने में। आपको मैं एक और दिखाऊं, सुजुकी बोलान 2015 का ये मॉडल है। और जो इसकी डिमांड इन्होंने बताई है 7,80,000 रुपए। 3 लाख के अंदर की डिमांड के अंदर जो है, मैं आपको एक और गाड़ी दिखा रहा हूँ, सुबारो है मेरे सामने इस टाइम। मुजद भाई की सुबारो लेके आए, कौन सा मॉडल है जी? ये 87 मॉडल है। 87 मॉडल है। क्या डिमांड रखी हुई भाई? 2,60,000 फाइनल रखे हैं। तो एक और गाड़ी देखिए, सुजुकी बोलान 2021 का ये मॉडल है। क्या डिमांड रखी हुई है इसके? 12.5 मान। 12.5 लाख रुपए। तो देने कितने में? 12 तक देंगे। मेहरान आपको बहुत अच्छे रेट के अंदर आपको दिखा रहा हूँ, सस्ती गाड़ी आप लोगों के लिए ढूंढते हैं बड़ी मुश्किल से मार्केट के अंदर। तो यार थम्स अप कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। 93 का मॉडल है, 94 रजिस्टर्ड है जी। क्या डिमांड कर रहे हैं? 2,30,000 रुपये। देने कितने में? क्या वाइंड बना गया है? ये कोई 2,10, 2,15 ऐसा मिल जाए। अच्छा, 2 से नीचे का मूड है कोई, अगर ऑफर आती है तो? आती है तो दे दूंगा। तो एक और गाड़ी देखी है, सुजुकी बोलान 2017 का ये मॉडल है। खामियां हम दिखाएंगे, अच्छा ये मालिक से पूछेंगे। 2017 का मॉडल लेके आए, 9 लाख रुपए की डिमांड है, 8,80,000 रुपए में देनी है हमको। ये है शेराट, और गाड़ी में आपको पहले दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। शेराट लेके आए, कौन सा मॉडल है? 84 मॉडल। 84 मॉडल है जी सर। क्या डिमांड रखी हुई है? 160 बोले मगर कमीशन हो जाएगी। कितने कमी, कितने में देने का इरादा रखा हुआ है? बस फाइनल यही है, 31 तक। 31 तक। तो ये एक और मॉडल यहाँ पर है मेरे पीछे, सुजुकी बोलान। ये 16 मॉडल है। 8,35,000 रुपए की डिमांड है, 8,25,000 रुपए में देनी है। टाइम जाया किए बगैर जिन लोगों की फरमाइश थी वो गाड़ी ढूंढने की कोशिश करेंगे, और जो भी अवेलेबल गाड़ियां हैं उनके ऊपर हम काम शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों की डिमांड होती है कि सस्ती गाड़ियाँ निकालें, तो हम लोग जो है कोशिश करते हैं जितनी ज़्यादा सस्ती गाड़ियाँ निकाल सकते हैं उतनी ज़्यादा सस्ती गाड़ियाँ आप लोगों के लिए निकालते हैं। तो इस टाइम मैं आया हुआ हूँ संडे कार बाज़ार के अंदर, और संडे कार बाज़ार के अंदर आप लोगों के लिए सस्ती गाड़ी निकाली है। आए आपको गाड़ी दिखाता हूँ और बताता हूँ कौन सी। ये है शेराट, और गाड़ी में आपको पहले दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। खामियाँ आपको दिखाता हूँ, क्योंकि पुरानी गाड़ी है, खामियाँ लाजमी होंगी, तो खामियाँ दिखाता हूँ, उसके बाद जो है अच्छा ये मालिक से पता करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ जी। तो ये है सुजुकी शेराट, और ये आपको मैं ओवरऑल इसको इस टाइम गाड़ी दिखा रहा हूँ। ये रूफ़ आ गया, रूफ़ के ऊपर जो है हल्का फुल्का रस्ट है, और उसके बाद आ जाती है विंड स्क्रीन, विंड स्क्रीन के बाद आ जाता है इसका बोनट। बोनट की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा पहला आपको मैंने फॉल्ट दिखा दिया कि यहाँ पर कलर जो है वो डैमेज है। कलर के डैमेज के अलावा फेडेड भी है कलर। इसके अलावा बात करते हैं इसकी लाइटों की, और ग्रिल की, लाइटों और ग्रिल की बात करें तो जहाँ पर ये मोनोक्रोम चलता है इसके ऊपर फुल टाइम रस्ट है। पुरानी गाड़ी इस वजह से रस्ट यहाँ पर भरपूर है। फ्रंट फेंडर की बात करें तो फ्रंट फेंडर के ऊपर भी जो है जगह जगह स्क्रैचेस हैं, कलर डैमेज है, और गाड़ी टचअप की पूरी नीड है। इसके अलावा अगर बात करूँ मैं टायर की, तो टायर जो है थोड़ी सी बेहतर कंडीशन के अंदर है, इसको मीडियम क्वालिटी के अंदर कह सकते हैं आप। अगर बात करूँ मैं जी डोर की और पिलर्स की, तो पिलर की बात करूँ तो यहाँ पर जो है रस्ट है, और यहाँ पर थोड़ा सा ये यहाँ पर डैमेज है। ये आपको मैं रूफ़ के ऊपर दिखा दूँ, यहाँ पर रूफ़ पे जो है रस्ट वगैरह अच्छे खासा आया हुआ है। इसके अलावा ये डोर आ गया, डोर के ऊपर भी जो है रस्ट वगैरह है, स्क्रैचेस हैं। ये आपको बैक डोर आ गया, बैक डोर के ऊपर भी स्क्रैचेस हैं, और यहाँ पर जो है कलर डैमेज है यहाँ से भी। बाकी खोल की भी आपको मैं दिखाता हूँ इस टाइम। इसके बाद आ जाते हैं इसके बैक साइड के ऊपर, बैक साइड से भी गाड़ी बैक साइड से थोड़ी बेहतर कंडीशन के अंदर है। ओवरऑल मैं आपको दिखाऊँ तो नंबर प्लेट जो इसमें डुप्लीकेट लगी हुई है फ़िलहाल, और नंबर प्लेट के बारे में मालूम कर लेंगे। और अगर मैं बात करूं इसकी दूसरी साइड की, दूसरी साइड से जो है रस्ट है यहाँ पर। ओवरऑल गाड़ी में शावर की और टचअप वगैरह की नीड है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर ये दरवाज़ा सही तरह से बंद है तो यहाँ पर कैप है, इस चीज़ों की बॉडी के अंदर काम नज़र आ रहा है फ़िलहाल मुझे। तो ये मैं आपको यहाँ पर इस टाइम गाड़ी दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंटीरियर।
इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर से जो डैशबोर्ड आ गया इसका पुरानी गाड़ी के हिसाब से डैशबोर्ड है। इसके बाद इसका आ गया जी स्टेयरिंग व्हील। स्टेयरिंग व्हील के बाद इसमें जो है टैब इंस्टॉल है। सीटों की बात की जाए तो सीटें मैं आपको दिखा दूँ एवरेज कंडीशन के अंदर इंटीरियर और एक्सटीरियर इसका है जी। इंजन रूम की बात करूँ तो इंजन रूम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इंजन रूम जो है बिल्कुल इस टाइम जेन्युइन कंडीशन के अंदर नज़र आ रहा है मुझे, और टिकली इसके अंदर मौजूद है और रस्ट है इंजन रूम के अंदर। बाकी ऑयल लीकेज जो है इसमें कोई नज़र नहीं आ रही मुझे। बाकी ये इंजन ओवरऑल आपके सामने, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं इंजन की कंडीशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जान, खैरियत से? क्या नाम है भाई का? अब्दुल वही। अब्दुल वही भाई, भाई शरार्ट लेके आए, कौन सा मॉडल है? 84 मॉडल है जी सर। अच्छा, खामियाँ बॉडी के अंदर काम है जी? खाली बॉडी के अंदर काम है बस, ये 2 महीने पहले हमने इंजन कराया। अच्छा, 2 महीने पहले इंजन कराया। अच्छा, ये बताइएगा CNG पेट्रोल दोनों पर है? ठीक है। नंबर प्लेट ओरिजिनल है? ओरिजिनल। लकी डुप्लीकेट है? अवेलेबल है दोनों। अच्छा सही है। क्या डिमांड रखी हुई है? 160 बोले मगर कमीशन हो जाएगी। कितना कमी, कितना में देने का इरादा रखा हुआ है? बल फाइनल यही है 31 तक। 31 तक? लाख रुपए में देने का मूड है अगर कोई आपसे कॉन्टेक्ट करता है तो, क्योंकि लाख वाले बहुत ज़्यादा आपको ऑफर करेंगे। हमारे पास भी मैसेज आ रहे होते हैं कि यार ये गाड़ी इतने में दिलवा दो, तो लाख में अगर है तो पता है कितने, कम से कम कितने में? 180 में पड़ी है। 130 में देनी है आपने? अच्छा, अगर कोई आपसे बोलते हैं उमर वकार ब्लॉग के ऊपर आपकी वीडियो देखी तो हमारे नाम के ऊपर कोई है मोहब्बत मजीद 130 के अलावा? 120 तक हो जाएगा। 120 तक में 10,000 रुपये की और डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि टैक्स वगैरह क्लियर है? यार कुछ है मेरे ख्याल से। तो आप क्लियर करेंगे या लेने वाला लेकर? वो कर लेंगे, सब बाद में कर लेंगे। अच्छा, कहाँ पे आके गाड़ी देख सकते हैं? ये सुरापुर। सुरापुर सब्जी मंडी, न्यू सब्जी मंडी। ठीक है, ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। 03168666486। ठीक है भाई, तो ये किसी को भी चाहिए 120,000 रुपये के अंदर ये आपको शिराट मिल जाएगी। बॉडी के अंदर काम है भाई ने बताया, इंजन इन्होंने अभी बनवाया है। तो जिस किसी को भी चाहिए हो तो सुरापुर सब्जी मंडी के पास गाड़ी अवेलेबल होती है, भाई से कॉन्टैक्ट करके आप जो रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिस भाई ने भी हमें बोला था कि यार सस्ती गाड़ी निकाल कर दो, तो 3 लाख की अंदर की डिमांड के अंदर जो है मैं आपको एक और गाड़ी दिखा रहा हूँ। सुबारो है मेरे सामने इस टाइम, और आपको इसका रिव्यू देता हूँ, अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी आपको दिखाते हैं और फिर मालिक से बात करते हैं जी। तो ये गाड़ी का जो है ओवरऑल व्यू है गाड़ी, यहाँ पे आपको ओवरऑल मैं आपको दिखा रहा हूँ इस टाइम। अब बात करते हैं यहाँ, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मैं रूफ। रूफ के ऊपर जो है कलर पैडेड है। कलर पैडेड के होने के बाद आ जाते हैं हम अपना विंडो स्क्रीन के ऊपर। विंडो स्क्रीन के बाद आ जाते हैं हम अपने बोनट के ऊपर। बोनट के हिसाब से गाड़ी सही है, जगह जगह से कलर थोड़ा सा जो है उखड़ा हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं हम इसकी लाइटों की, तो लाइट और ग्रिल आ गई। लाइटों ग्रिल के बाद जो है सब बोनट आ गया। फ्रंट फेंडर आ गया। फ्रंट फेंडर के बाद जो अलायरे में उन्होंने लगाए हुए हैं। टायर की जो है कंडीशन अच्छी है। इसके अलावा इस फ्रंट फेंडर से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपका ड्राइविंग साइड का डोर आ गया। ड्राइविंग साइड के डोर के ऊपर स्क्रैचेस वगैरह हैं। इसके बाद जो आए है बैक डोर आ गया, बैक डोर के ऊपर भी स्क्रैचेस हैं। कलर इसका थोड़ा सा उखड़ा हुआ है। इसके अलावा हम आ जाते हैं बैक साइड के ऊपर। बैक साइड से भी गाड़ी का कलर फेडेड है। बाकी ये आपको मैं दिखाऊँ दूसरी साइड की गाड़ी, दूसरी साइड से भी गाड़ी के अंदर कलर की ओवरऑल टचअप की शावर की नीड है। गाड़ी बाकी वैसे से जो है बेहतर कंडीशन के अंदर लग रही है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर गाड़ी लगी हुई लग रही है। तो यहाँ पर टेंट्स हैं और यहाँ पर टेंट्स हैं गाड़ी के। इंटीरियर वाइज अगर आपको गाड़ी दिखाऊँ तो इंटीरियर वाइज जो है आपका डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड के बाद जो है आपका स्टेयरिंग व्हील आ गया। टेप इसके अंदर लगा हुआ है। मीटर है और गाड़ी में अगर सीटों की बात की जाए तो 2-2 के अंदर गाड़ी की सीटें लगी हुई हैं। गाड़ी ओवरऑल इंटीरियर वाइज जो है बेहतर है। थोड़ा सा ही आपको ऊपर से जो है थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, आपको रूफ के अंदर थोड़ा सा काम करवाना पड़ सकता है। और यहाँ पे जो है पीछे भी बैक सीट भी जो है सही बेहतर कंडीशन के अंदर है। इंजन रूम से अगर गाड़ी दिखाऊँ तो इंजन रूम से गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है, साफ़ सुथरी बनी हुई है। किसी किस्म की जो है कोई ऑयल लीकेज नहीं है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे नया इंजन रूम हो और नया इंजन हो। फिलहाल मुझे टिकली जो है गाड़ी के अंदर नज़र नहीं आ रही है। और बाकी ओवरऑल गाड़ी का इंजन रूम बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा बना हुआ है। तो ये यहाँ पर जो नंबर इसका जो यहाँ पर मेंशन है, और क्योंकि ये इंपोर्टेड गाड़ी जिस वजह से इसके ऊपर टिकली वगैरह नहीं है। तो ये थी जी सुबारो। ओवरऑल मैंने आपको गाड़ी दिखा दी। अब चलते हैं मालिक की तरफ, तो उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं उन्होंने क्या डिमांड होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई का? मुजाहिद। मुजाहिद जी। तो मुजाहिद भाई की सुबारो लेके आए, कौन सा मॉडल है जी? 87 मॉडल है। 87 मॉडल है। इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ बताइएगा। यार इसमें कोई ऐसा काम नहीं है कि बंदा बोले कि इसमें ये काम है। इंजन ओके, गियर ओके, समय से सब कुछ ओके। ठीक है।
चारों टर्निया लगा हुआ है, कम से कम 45,000 का सिर्फ अलार्म लगा हुआ है, और 22-23 मीटर का साउंड सिस्टम लगा हुआ है, चालू है, एमएम सब कुछ लगा हुआ है। गाड़ी कम से कम 70% ओरिजिनल है। कागजात 2022 तक क्लियर है, बाकी फाइल ओके, कोई इशू नहीं। सीएनजी पेट्रोल किस पर चला? सीएनजी पेट्रोल दोनों पर है, लेकिन इसका सीएनजी का सिर्फ टैंकी निकाला हुआ है, क्योंकि पीछे साउंड का सिस्टम किया हुआ है, क्योंकि इसका डिकेटर छोटा होता है, वो लगाओगे तो फिर वो नहीं आता। क्या डिमांड है? 260 कितने में देने का इरादा? यानी 260 का देने का इरादा है, इसमें से हो सकता है कुछ हल्का फुल्का कर ले, ज्यादा कम फिर भी सोच के आएंगे ना यार, इससे कम में नहीं देनी है। 260 की तो आपकी डिमांड है, कम कितने कम में देने का? समझो 50-45, यानी इससे कम 245 समझा आपकी बिल्कुल लास्ट ऑफर है। अच्छा बताइएगा कि उमर वकार व्लॉग के ऊपर आपकी वीडियो डलेगी, आपके पास फोन आता है कि यार यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखिए, बाजार के अलावा हमारे नाम पे 245 के अलावा कोई मजीद मोहब्बत है? नहीं, इससे कम समझ में 245 के अलावा कोई मोहब्बत नहीं है हमारे लिए, थोड़ी सी तो मोहब्बत होनी चाहिए। इसका भी पाल्टी लगा हुआ है नील। अच्छा 245 में भी नील दिया आपने। अच्छा कहाँ पे आके गाड़ी देख सकते हैं? ये सुरापगढ़ पे है। सुरापगढ़ पे। अच्छा फोन नंबर शेयर कर दो। 0310-23-60-794। तो भाई जिस किसी को भी चाहिए हो, ये सराब गोट के ऊपर गाड़ी खड़ी होती है, और कांटेक्ट नंबर भाई ने दे दिया है, भाई से कांटेक्ट करके आप गाड़ी ले सकते हैं। थैंक यू। तो आप लोगों की डिमांड के मुताबिक मेहरान देख लिए, मेहरान आपको बहुत अच्छे रेट के अंदर आपको दिखा रहा हूँ, सस्ती गाड़ी आप लोगों के लिए ढूंढते हैं बड़ी मुश्किल से मार्केट के अंदर। तो यार थम्सअप कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। चलो आपको गाड़ी दिखाता हूँ। ये आ गई जी सुजुकी मेहरान, और ये आपका आ गया रूफ से आने के बाद आपका विंड स्क्रीन आ गई, विंड स्क्रीन से आपकी आ गई आपका बोनट, बोनट के ऊपर यहाँ पर जो है हल्का सा कलर जो है वो हटा हुआ है, उसके अलावा लाइट्स आ गई, लाइट के बाद ग्रिल आ गई, ग्रिल के बाद जो है आपका बोनट आ गया बेहतर कंडीशन के अंदर। आपको ड्राइविंग साइड दिखाऊँ, ड्राइविंग साइड का जो है फेंडर आ गया, फेंडर के बाद जो है टायर आ गया, टायर अच्छी कंडीशन के अंदर है, स्टफनेस के अंदर इंस्टॉल है। आपका डोर आ गया, ये जो है ड्राइविंग साइड का डोर आ गया, ड्राइविंग साइड का आपको डोर दिखा दूँ। ड्राइविंग साइड के डोर के ऊपर जो है हल्का फुल्का जो है यहाँ पर रस्ट वगैरह है, ठीक है, रस्ट दिखा दूँ आपको। इसके अलावा बैक डोर आ गया, बैक डोर के ऊपर भी आपको दिखा दूँ तो बेहतर कंडीशन के अंदर है, हल्का फुल्की मामूली से इसके ऊपर हल्के से हाथ पहनेंगे तो डेंट से महसूस हो रहे हैं। इसके अलावा ये बैक फेंडर आ गया, बैक फेंडर के बाद ये आपका जीप बैक आ गई, इसके बैक के ऊपर यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा रस्ट है गाड़ी के ऊपर, और यहाँ पर भी थोड़ा सा रस्ट है जहाँ जहाँ इसके वो हैं। इसके अलावा यहाँ पर गाड़ी बेहतर कंडीशन के अंदर है। इसके अलावा जो ही आपको दूसरी साइड दिखाऊं, दूसरी साइड से गाड़ी के अंदर स्क्रैचेस हैं बॉडी के अंदर, कलर की और टचअप की नीड है, बाकी ओवरऑल गाड़ी बेहतर कंडीशन के अंदर नज़र आ रही है। चलते हैं इंटीरियर की तरफ। गाड़ी को आपको इंटीरियर से दिखाऊं तो डैशबोर्ड आ गया, डैशबोर्ड के बाद जो है आपका स्टेयरिंग व्हील आ गया, स्टेयरिंग व्हील के बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ सीटें तो सीटें भी बेहतर कंडीशन में, एवरेज कंडीशन के अंदर जो है गाड़ी है ये, और छत के हिसाब से भी गाड़ी बेहतर है, और बैक से अगर दिखाऊँ तो बैक से भी गाड़ी बेहतर कंडीशन के अंदर है। थोड़ा सा आप देख सकते हैं पुरानी गाड़ी तो रस्टेड वगैरह है, ठीक है, अंदर से आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बैक पे भी जो है यहाँ पर पूरे पीछे से अंदर की तरफ से जो है फॉल्टलेस के अंदर। इंजन रूम से आपको दिखाऊँ तो इंजन रूम से जो है गाड़ी यहाँ पर मुझे जेन्युइन लग रही है, किसी किस्म की कोई कलर वगैरह नहीं हुए हुए, ओरिजिनल कंडीशन के अंदर है, टिकली इसके अंदर मौजूद है और पढ़ने में भी आ रही है। ये आपका इसका नंबर आ गया, और बाकी इंजन रूम है, इंजन रूम में किसी किस्म की ऑयल लीकेज वगैरह नज़र नहीं आ रही है। ये आपका ओवरऑल जो है इंजन के रूम की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई जान, क्या हाल है, खैरियत से हैं? क्या नाम है भाई का? मोहम्मद अमजद। मोहम्मद अमजद, अमजद भाई मेहरान लेके आए हैं जी। कौन सा मॉडल है? 93 का मॉडल है, 94 रजिस्टर्ड है जी। अच्छा ये बताइएगा गाड़ी के अंदर क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं? देखिए खामियां कोई भी नहीं बताता कि कोई खामी है तो वो जरूर बताइएगा कि ये खामी है, और जो खूबी हो बताइएगा। मैं आज चलाई है गाड़ी में कोई खामी नहीं है। अच्छा बॉडी वगैरह में कोई किसी बॉडी वगैरह में थोड़ा बहुत काम होता ही है। अच्छा पुराना मॉडल है, सही है। अच्छा ये बताइएगा सीएनजी पेट्रोल? खाली पेट्रोल पर है। अच्छा टैक्स वगैरह क्लियर है? टैक्स क्लियर नहीं है। कितना बाकी है? 4 साल का है। आप भरोगे, लेने वाला भरेगा? लेने वाला बात सही हो जाती है। ये बताइएगा कि जो है नंबर प्लेट्स ओरिजिनल है? ओरिजिनल।
सीपीएलसी में किसी किस्म की कोई आवाज क्लियर है गाड़ी? क्या डिमांड कर रहे हैं? 230 230,000 रुपए देने कितने में? क्या वाइंड बना गया है? ये कोई 210-215 ऐसा मिल जाए। अच्छा, 2 से नीचे का मूड है कोई? अगर ऑफर आती है तो? आती है तो दे दूंगा मैं। 2 से नीचे की भी ऑफर अगर कोई देगा तो जो है वो बाई कर लेंगे उसके अंदर। कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करिएगा अपना। 03151524 03152495 ठीक है। ये कहाँ पे आके गाड़ी देख सकते हैं कोई आके देखना चाहे तो? अपना नागन पे, नागन चुरंगी पे गाड़ी होती है। बाई का कॉन्टेक्ट नंबर आपको शेयर कर दिया है। 2 लाख से नीचे की भी जो है, 19-20 नीचे वो बोला, ऐसा ना हो कि 1 लाख के करीब पहुंच जाए, तो के 1.90-1.95 के करीब की कोई ऑफर देगा तो भाई जो गाड़ी देने के लिए राजी है। गाड़ी आपने आपको दिखा दी है, जिस किसी को भी समझ में आए गाड़ी भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जो है शेयर भी कर दीजिएगा। तो जिन भाई ने फेसबुक के ऊपर रिक्वेस्ट की थी कि जो है यार हमें 2010 के मेहरान दिखा दें, तो भाई जो है 2010 के मेहरान आप लोगों के लिए निकाल दिए। आपको दिखाता हूँ ओवरऑल व्यू, गाड़ी देख लें और इसकी खामियाँ हम बताएंगे, खूबियाँ जो है मालिक बताएंगे जी। तो ये मैं आपको इस टाइम यहाँ पे गाड़ी दिखा रहा हूँ, मेहरान 2010 का ये मॉडल है। और जिस किसी को भी चाहिए वो भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर भी आपको मैं शेयर करता हूँ मालिक से बात करके। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बैक फेंडर और साइड वाले फेंडर। यहाँ पर हल्का सा जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेंट है और यहाँ पर हल्की सी ये डेंट टाइप का है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊँ टायर, तो टायर के हिसाब से गाड़ी जो है अच्छी है। स्टफिंग के ऊपर जो है रस्ट है, या का डोर आ गया साइड का। साइड डोर के बाद जो है मैं आपको दिखाऊँ तो बैक डोर आ गया, किसी किस्म का स्क्रैचेस नहीं है। यहाँ पर जो है वो रबड़ वगैरह लगाते हैं तो उसके जो ये यहाँ पे उखड़ा हुआ है, बाकी किसी किस्म का स्क्रैचेस नहीं है। ये आपका जो फ्यूल टैंक का कैप आ गया, इसके ऊपर कलम टचअप हुआ हुआ है, ये आपको मैं दिखाऊँ। बैक से आपको गाड़ी दिखाऊँ तो बैक से गाड़ी जो है ओवरऑल बेहतर कंडीशन के अंदर है, किसी किस्म की कोई इसके अंदर जो है स्क्रैचेस मुझे नज़र नहीं आ रहे। और अगर मैं आ जाऊँ ड्राइविंग साइड के ऊपर, तो ड्राइविंग साइड से आपको गाड़ी दिखाऊँ तो ड्राइविंग साइड से भी गाड़ी जो है खासी बेहतर है। हल्का फुल्का यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर हल्का फुल्का टचिंग वगैरह की नीड है और गाड़ी ओवरऑल बेहतर कंडीशन के अंदर है। इंजन रूम की बात करें तो इंजन रूम जो है जेन्युइन कंडीशन के अंदर नज़र आ रहा है मुझे इस टाइम। यहाँ पर किसी किस्म की कोई ऑयल लीकेज नज़र नहीं आ रही है। टिकली इसके अंदर मौजूद है, नंबर इसके अंदर मौजूद है, विजिबल है, और साफ सुथरा इंजन रूम है इसका, आप जो देख सकते हैं। चलते हैं इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर से गाड़ी कैसी है फिर जो है मालिक से बात करते हैं। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर से जो है आपका डैशबोर्ड आ गया, डैशबोर्ड के बाद जो है आपका मीटर आ गया, क्लस्टर मीटर आप देख सकते हैं। क्लस्टर मीटर के बाद जो है ये आपका आ गया जी स्टेयरिंग व्हील। स्टेयरिंग व्हील के बाद अगर मैं सीटों की बात करूँ तो सीटें भी आप देख सकते हैं बेहतर कंडीशन के अंदर सीटें हैं। बैक सीट से दिखाऊँ तो बैक से भी गाड़ी जो है बेहतर कंडीशन के अंदर है, थोड़ी सी सीट जो पीछे की ख़राब हुई है, बाकी ओवरऑल गाड़ी इंटीरियर आउट साइड से 75% मुझे बेहतर अच्छी लगी। बाकी जो है गाड़ी के ऑनर से बातचीत करते हैं, उनसे देखते हैं क्या है। भाई खैरियत से? सर आपका नाम? आमिर शाह। आमिर शाह। और भाई? बासित बोराई। बासित, बासित भाई तो जो है राउडे राठौर लग रहा है। अच्छा भाई, मेहरान लेके आए हैं जी, 2010 का मॉडल है। 2010 का मॉडल है। अच्छा, खामियां खूबियां बताएं। खामियां खूबियां वैसे गाड़ी गुड कंडीशन में है, सस्पेंशन इंजन वगैरह हर चीज़ ओके है, बॉडी में भी ओके है, बाहर से कुछ टचअप है, कुछ बची हुई है, अंदर से फुल जेन्युइन गाड़ी है। नंबर प्लेट ओरिजिनल है? हाँ, नंबर प्लेट ओरिजिनल, डॉक्यूमेंट्स क्लियर, हर चीज़ क्लियर है, सीपीएससी क्लियर है। क्या डिमांड रखी हुई है? 5 लाख रुपये डिमांड है। 5 लाख रुपये डिमांड रखी हुई है। कितने में देने का इरादा रखे आए हैं? बस जो जायज ऑफर होगी इंशाल्लाह दे देंगे। 4.5 तक के मूड में? इतना नहीं, इतने में नहीं, इतने में नहीं है, ऐसे ऊपर ऊपर की बात होगी इंशाल्लाह। फिर भी एक माइंड होता है ना, माइंड है 80 तक का देने का, 80 तक का माइंड। अच्छा ये बताएं कि 80 से नीचे की अगर आपको कोई ऑफर देता है जैसे 60-65 की, तो है मूड बन जाएगा? पर डिपेंड करता है उस टाइम अगर क्या है जो आ जाए, जरूरत के ऊपर है या नहीं है। अच्छा ठीक है, ये बताइएगा CNG पेट्रोल AC वगैरह? CNG तो इसमें वैसे कंपनी से लगी हुई थी, वो निकालती है पेट्रोल पे गाड़ी, ओके चलती है पेट्रोल पे। AC है? AC नहीं है, VX है। गाड़ी कहाँ पे आके देख सकते हैं कोई? गाड़ी है गुलिस्तान जोर ब्लॉक है, बाइक को देख के समझ गया था गुलिस्तान जोर के हूं। अच्छा ये बताइए कांटेक्ट नंबर शेयर करते हैं। 03003431081। तो भाई ये गाड़ी है सुजुकी मेहरान, 2010 का मॉडल है। भाई ने जो डिमांड बता दी आपको, कांटेक्ट नंबर शेयर कर दिया, जिस किसी को भी चाहिए गाड़ी गुलिस्तान जौहर के अंदर मौजूद होती है, भाई से कांटेक्ट करके आप लोग गाड़ी देख सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू आप। तो जैसे कि आप लोगों ने फरमाइश की थी कि जो है हाई रूफ की एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाइएगा, तो मैं आपके लिए ये हाई रूफ ले आया हूँ और ये आपको मैं दिखाता हूँ हाई रूफ।
खामियों मैं बताऊंगा, अच्छाइयाँ मालिक से पूछेंगे, पहले खामियाँ देखते हैं, फिर मॉडल कौन सा है, क्या डिमांड है, तमाम चीज़ें मालिक से मालूम करते हैं जी। तो ये आ गया जी आपकी रूफ से आ गया आपका जी विंडस्क्रीन से आपका बोनट आ गया, उसके बाद जी यहाँ पर आ गया बम्पर। साइड से दिखाऊँ तो साइड से आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ, और इस टाइम ये साफ ड्राइविंग साइड से दिखा रहा हूँ इस टाइम आपको मैं गाड़ी, ये ड्राइविंग साइड से आपको देख लीजिए। फिलहाल मुझे इसमें कोई किसी किस्म का कोई स्क्रैच और कोई डेंट वगैरह नज़र नहीं आ रहा है, हल्का फुल्का मामूली से कलर वगैरह यहाँ से थोड़ा सा है किनारों में से, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा है, बाकी गाड़ी फ़िलहाल ओवरऑल साफ़ सुथरी नज़र आ रही है। टायरों की बात करूँ अगर तो टायरों के हिसाब से भी गाड़ी जो है अच्छी कंडीशन में है, साफ सुथरे टायर लगे हुए हैं, इसमें अलार्म इंस्टॉल नहीं है, इसमें जो है स्टफनी है। अगर बैक से बात करूँ तो बैक से भी गाड़ी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ओवरऑल गाड़ी मुझे बेहतर नज़र आ रही है, मोनोग्राम थोड़ा सा गायब है और इसके जो लॉक है इसके ऊपर रस्ट है, बाकी गाड़ी बेहतर है ओवरऑल। और अगर मैं आपको ये ड्राइविंग साइड की अपोजिट साइड से दिखाऊं तो यहाँ से भी गाड़ी मुझे साफ सुथरी नज़र आ रही है, किसी किस्म के स्क्रैचेस नहीं है गाड़ी के ऊपर, किसी किस्म की कोई डैमेज कहीं से नज़र नहीं आ रही है। इंटीरियर की अगर बात करूँ तो इंटीरियर में आपको मैं जो है दिखाता हूँ इसका डैशबोर्ड के ऊपर जो है लेदर कवर किया हुआ है, जो थोड़ा सा रफली हो चुका है यूज़ करके, और उसके बाद जो है आपका स्टेयरिंग व्हील आ गया के बाद जी सीटें आ गई, सीटें भी सही हैं, बस थोड़ी सफाई की नीड है, बाकी गाड़ी ओवरऑल साफ सुथरी है। बैक साइड से अगर आपको दिखाऊं तो बैक साइड से भी गाड़ी टू टोन के अंदर बनी हुई है, रूफ इसकी बनी हुई है, बाकी ओवरऑल गाड़ी साफ सुथरी है, तो वो सिर्फ वॉश होने की नीड है, बाकी गाड़ी ओवरऑल साफ सुथरी है जी गाइस। तो ये थी इसकी आउटडोर से और इनडोर से दोनों तरफ से मैंने आपको अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी नज़र आई वो बता दी हैं। अब चलते हैं मालिक की तरफ से, उनसे सारी की सारी अच्छाइयाँ मालूम करते हैं, कौन सा मॉडल है, क्या चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके, क्या नाम है आपका? फरमान नाम है सर। फरमान, अच्छा फरमान भाई हाई रूफ लेके आए हैं जी जी। कौन सा मॉडल है? ये 2008 का मॉडल है। अच्छा ये बताइएगा कि अच्छाइयाँ बुराइयाँ हमने देखने की कोशिश करी है, हमें तो फिलहाल जो हल्का फुल्का नजर आया वो हमने बता दिया, साफ करना है बस, सफाई की नहीं नजर आई है। ये बताइएगा कि सीएनजी पेट्रोल किस पर है? ये खाली पेट्रोल पर, सिर्फ पेट्रोल पर है। कितना एवरेज आ जाता है तकरीबन? 10 12 13 14 जितना रोड है इतना सा एवरेज आ जाता है। अच्छा ये बताइएगा कि क्या डिमांड रखी हुई है? इसने हमने रखा हुआ है 4,60,000 रुपए। 4,60,000 रुपए। अच्छा क्या डिस्काउंट वगैरह होगी, क्या फाइनल? बस ये इतने का खरीदा ज्यादा का है। अच्छा लेकिन बस इस ये आयरूप का काम नहीं है तो भेजना पड़ता है। अच्छा कोई 4,00,000 तक की मूड में है? 4,00,000 तो रोज लगता है लेकिन नहीं देना। कितने? 4,50,000 तक देना, 4.5 महीने देने से नीचे नहीं देना। अच्छा अगर आपको कोई बोलता है की यार वो उम्र भाई और कार्रवाई की हमने वीडियो देखी है उसके हम आपसे तो कोई स्पेशल डिस्काउंट है हमारे लिए? बस 10,000 रुपए कर देंगे। यानी कि 4,40,000 रुपए फाइनल डिमांड हो जाएगी अगर आप हमारा नाम लेते हैं तो। कहाँ पर आके जो ये गाड़ी देख सकते हैं? बोर्ड ऑफिस में देख सकते हैं, बोर्ड मैट्रिक बोर्ड ऑफिस। अच्छा अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दे, 03-44-18-11-05। ठीक है भाई, जिस किसी को भी चाहिए 4,40,000 रुपए में उमर वकार व्लॉग करके आप भाई से कांटेक्ट करेंगे तो आपको 4,40 में मिलेगी, वरना ये 4,50 से कम में नहीं है। ठीक है तो हम लोग आ चुके हैं अब एक दूसरी गाड़ी की तरफ, आपको मैं एक और दिखाऊं सुजुकी बोलान। अच्छाइयाँ मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं बुराइयाँ दिखाऊंगा, अच्छाइयाँ जो मालिक बताएंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ, आपको दिखा रहा हूँ जी। तो गाइस सबसे पहले रूफ दिखा रहा हूँ, रूफ के बाद आपको दिखा रहा हूँ मैं विंडस्क्रीन के बाद जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका बोनट, लाइट्स। और जी तो मैं आपको दिखाऊँ ड्राइविंग साइड के अपोजिट साइड से, यहाँ से भी गाड़ी जो है साफ सुथरी है, किसी किस्म की कोई स्क्रैच नहीं है, कोई डेंट नहीं है। टायर आपको दिखाऊँ तो टायरों के हिसाब से भी गाड़ी जो है बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है, स्टफनेस के अंदर इंस्टॉल है। बुराइयों की जहाँ तक बात करते हैं तो बुराइयों में यहाँ पर जो है ये थोड़ी सी टचिंग हुई हुई है, हल्का हल्का रस्ट है यहाँ पे बॉर्डर के अंदर। ये बैक साइड की तरफ मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको मैंने दिखा दी बैक साइड पे दिखाऊँ तो बैक साइड के ऊपर यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर थोड़ा कलर ख़राब है ठीक है, और थोड़ा सा पूरा पूरा सा है, हल्के हल्के से जो है यहाँ पर रस्ट है और हल्का हल्का सा कलर उखड़ा हुआ है। बैक की बात करें तो बैक से जो है गाड़ी यहाँ से बैक से भी गाड़ी ओवरऑल साफ सुथरी कंडीशन के अंदर अवेलेबल है। और अगर मैं आपको दिखाऊं ड्राइविंग साइड से, तो ड्राइविंग साइड से भी गाड़ी मुझे साफ सुथरी लग रही है, कहीं पर मुझे हल्का सा कलर पे टचिंग वगैरह लग रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ पे थोड़ा सा शायद टेंट वेंट था या कुछ था, यहाँ पर कोई मसला है। बाकी मालिक से इस बारे में पूछेंगे, हल्का फुल्का यहाँ पर रस्ट है, बाकी ओवरऑल गाड़ी साफ सुथरी है। इंटीरियर वाइज अगर गाड़ी दिखाऊँ आपको, इंटीरियर वाइज जो है डैशबोर्ड आ गया, डैशबोर्ड के बाद जो है आपका स्टीयरिंग व्हील आ गया, स्टीयरिंग व्हील के बाद मीटर्स आ गए, मीटर के बाद जो है आगे सीटें आ गई, टू टोन के अंदर सीटें बनी हुई हैं। गाड़ी ओवरऑल इंटीरियर वाइज एक्सटीरियर वाइज साफ सुथरी है। गाड़ी 2015 का यह मॉडल है और जो है इस पर हल्का सा जो है टचअप हुआ हुआ है, कलम टचअप भाई ने बताया है, और जो है इसकी डिमांड इन्होंने बताई है 7,80,000 रुपये। गाड़ी के अंदर फिलहाल किसी किस्म का कोई काम नहीं है, सस्पेंशन क्लियर है, टैक्स क्लियर है, हर तरीके से गाड़ी साफ सुथरी है। जहाँ पे कलम वगैरह का ऑप्शन था वो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो इसके अलावा जो है इनको हमने पूछा कि आप कितने में दे देंगे, तो उन्होंने बोला था कि मैं 7,65 तक दे दूँगा, मगर हमने बोला कि आप हमारे रेफरेंस से कितना और डिस्काउंट कर देंगे अगर कोई उमर वकार का नाम लेता है। तो इन्होंने बोला 7,55,000 रुपये के अंदर फाइनल में दे दूंगा। कॉन्टैक्ट नंबर मैं भाई से लेके आपको दे देता हूँ, और किसी को भी चाहिए हो तो ये जो है बशीर चौक न्यू कराची के अंदर गाड़ी खड़ी होती है, यहाँ पे आके आप गाड़ी ले सकते हैं। फोन नंबर बता दो, 0316-2630-695। तो एक और गाड़ी देखिए, सुजुकी बोलान 2021 का ये मॉडल है, गाड़ी साफ सुथरी होगी यकीनन, तो इसमें कोई खामियां ढूंढने की कोशिश करेंगे, मिल गई तो ठीक है वरना कोई मसला नहीं। तो आते हैं आपको गाड़ी दिखाते हैं जी गाइस। तो ये 2021 सुजुकी बोलान आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आ गया आपका जो इंट्री है, तो ये आ गया आपका जी रूफ, रूफ के बाद ये आपकी विंडस्क्रीन के बाद आपकी लाइट्स आ गई, लाइट के बाद जो है इन्होंने सेफ्टी गार्ड लगाया हुआ है जो बहुत ही अच्छी खूबसूरत लुक देता है गाड़ी को। ड्राइविंग साइड से अगर मैं आपको गाड़ी दिखाऊं तो ड्राइविंग साइड से भी गाड़ी बहुत ज़्यादा साफ सुथरी है, किसी किस्म का स्क्रैच नहीं है और बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन गाड़ी। बैक से अगर मैं आपको दिखाऊं तो बैक से जो गाड़ी साफ सुथरी है, बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन साफ सुथरी, किसी किस्म की कोई स्क्रैचेज नहीं है, कोई डेंट नहीं है, कोई पैंट नहीं है, कुछ भी नहीं। दूसरी साइड से अगर मैं आपको गाड़ी दिखाऊं तो दूसरी साइड से भी गाड़ी साफ सुथरी है, किसी किस्म का कोई स्क्रैच कोई डेंट वेंट कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरी और अच्छी गाड़ी बनी है। टायरों की बात की जाए तो टायरों के हिसाब से भी गाड़ी बहुत ज़्यादा साफ सुथरी अच्छी है, अच्छे कंडीशन में टायर्स हैं और स्टफनेस के अंदर इंस्टॉल है। इंटीरियर से अगर गाड़ी दिखाऊं तो इंटीरियर से भी गाड़ी बहुत ज़्यादा साफ सुथरी है। डैशबोर्ड दिखा दूं आपको 2021 का, बहुत ही साफ सुथरा है, इसके अंदर टेबल इंस्टॉल है और स्टेयरिंग व्हील आ गया, स्टेयरिंग व्हील भी अच्छा है। और इसको अगर मैं आपको 2021 के जो है मीटर की लुक दूँ तो वो भी आपको दिखा रहा हूँ, वो भी एक अच्छी टोन के अंदर आई हुई है। इसके अलावा सीटों की बात करें तो 2 टोन के अंदर इन्होंने सीटें इंस्टॉल की हुई हैं जो गाड़ी को बहुत अच्छी लुक दे रही हैं। बैक से दिखाऊं तो बैक में जो है गोल्डन और ब्लैक का इन्होंने कंट्रास्ट दिया हुआ है। सीटें थोड़ी सी गंदी हुई हैं बैक से, क्योंकि पैसेंजर साइड से होती है तो यहाँ पर थोड़ी सी सफाई की नीड है, बाकी गाड़ी ओवरऑल बहुत ज़्यादा। क्या हाल है भाईजान? सही है भाईजान का नाम? मोहम्मद इरफान भाई। कहाँ से आए? ये मानसरा कॉलोनी लांडी मानसरा कॉलोनी से। अच्छा, सुजुकी बोलान लेके आए जी। मॉडल 2021 का मॉडल है। अच्छा, ये बताइएगा कि खामियां तो नई गाड़ी होंगी नहीं, तो क्या अच्छाइयां बताएं इसके अंदर पुराने मॉडल में और नए मॉडल में? मॉडल में इसमें ये फर्क है कि ये पेट्रोल एवरेजिंग की अच्छी है, तो चलने में माशाल्लाह ये उनसे थोड़ा पिकअप उनका बड़ा हुआ है ना। अच्छा जी, तो सीएनजी पेट्रोल किसमें? नहीं, पेट्रोल पे, सिर्फ पेट्रोल एवरेज तकरीबन 14-15 देती है। अच्छा, क्या डिमांड रखी हुई है इसके? 12.5 मान, 12.5 लाख रुपए। तो देनी कितने में? 12 तक देनी है। अच्छा, ये बताएं कि अगर कोई बोलता है कि यार आपकी वीडियो देखी और उमर भाई की वकार भाई के साथ, तो हमारे नाम पे ऊपर कोई डिस्काउंट हो जाएगा स्पेशल? देनी तो 12 में ही है, लेकिन चलो कुछ हो जाएगी, कितनी मोहब्बत हो जाएगी हमारे नाम पे। अगर वैसे अगर कोई नाम लेता है तो, वरना तो आप अपनी हमारे साहब बोलते हैं कि 4-5 हज़ार की हम चाय पिला भी सकते हैं और पिला पी भी सकते हैं, ठीक है? यानी 4-5 हज़ार रुपये का आपको हमारे नाम के ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए, 0345-89-36-306। ये बताइएगा टैक्स वगैरह क्लियर है? नंबर प्लेट से जो है ओरिजिनल है, उसकी जो ओरिजिनल अभी तक सिविक सेंटर से इशू नहीं हुई, तो आप करवा के देंगे? नहीं, उसका आपको सिविक सेंटर की जो मोहर लगी होगी ना वो मिलेगी। अच्छा, ठीक है। तो 1 साल हो गया अभी तक इशू नहीं हुई? बस तो 4-5 साल से भी शुरू है। अच्छा, ठीक है। तो गाड़ी के में किसी किस्म की कोई, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है इस गाड़ी के साथ? चलो भाई, जिस किसी को भी 2021 का मॉडल चाहिए भाई से, हमने इसका रिव्यू भी ले लिया क्योंकि ये यूजर है, तो और डिमांड भी आपको बता दी 12 लाख रुपए की इनकी फाइनल डिमांड है। हमारा नाम लेंगे तो 5,000 रुपए की आपको मोहब्बत मिल जाएगी, चाय पानी आप भी पिलाइएगा, भाई को पिलाइएगा, हमें सब्सक्राइब करिएगा, हमारा कम भी हो जाएगा, ठीक है भाई? बहुत शुक्रिया। तो एक और गाड़ी देखी है सुजुकी बोलान 2017 का, यह मॉडल है, खामियां हम दिखाएंगे, अच्छा ये मालिक से पूछेंगे, मैं आपको गाड़ी दिखा दूँ
जी गाइस, मैं आपको दिखाऊं यहाँ से इस टाइम पूरी ओवरऑल व्यू सुजुकी बोलान 2017 का। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका रूफ, रूफ के बाद आगे इसकी विंड स्क्रीन के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका लाइट्स और बोनट। उसके अलावा उन्होंने सेफ्टी गार्ड लगाया हुआ है। अच्छे लाइट और बोनट की लाइट्स वाली जो साइड है इसके ऊपर स्क्रैचेस हैं, ये ओवरऑल पूरी पट्टी के ऊपर जहाँ पे मुझे स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं इसकी साइड की डोर के ऊपर अगर आ जाते हैं तो डोर के ऊपर यहाँ पर भी जो ये मैं आपको दिखाऊंगा कैमरा दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर कहीं पर गाड़ी लगी हुई है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊँ टायर्स तो टायर भी जो है यहाँ पर अच्छी कंडीशन के अंदर है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं इसका बैक डोर तो बैक डोर के ऊपर भी हल्का सा जो है कलम का निशान है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर यहाँ पर दिखाऊं मैं बैक फेंडर तो यहाँ पर भी जो है कलम का निशान है। और अगर मैं आपको आऊं पीछे की तरफ तो पीछे बैक से भी आपको गाड़ी दिखाऊँ तो बैक से गाड़ी साफ़ सुथरी है और यहाँ पर किसी किस्म का बस वो भी नीचे बम्पर पर जो है वो हल्का से स्क्रैचेज हैं। अगर आए आप हम ड्राइविंग साइड के ऊपर तो ड्राइविंग साइड के ऊपर यहाँ पर हल्के छोटे छोटे मामूली से जो है डेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा गाड़ी यहाँ पर ये ओवरऑल साफ़ सुथरी नज़र आ रही है, किसी किस्म की और कोई मेजर फॉल्ट वगैरह नज़र नहीं आ रहा। हल्का सा यहाँ पर ये स्क्रैच है, बाकी गाड़ी ओवरऑल साफ़ सुथरी है। बात करूँ अगर इंटीरियर की तो इंटीरियर वाइज अगर मैं आपको गाड़ी दिखाऊँ तो इंटीरियर में आपको डैशबोर्ड आ गया, डैशबोर्ड के ऊपर बेहतर है कंडीशन में। उसके बाद जो है इसका मीटर आ गया, मीटर के बाद जो है इसका स्टेयरिंग व्हील आ गया। स्टेयरिंग व्हील के बाद अगर मैं आपको सीटें दिखाऊं तो सीटें ये टू टोन के अंदर बनी हुई हैं जो एक अच्छी लुक दे रही है, साफ़ सुथरी न्यू कंडीशन के अंदर सीटें हैं। क्या नाम है भाई का? उमर अली। अच्छा उमर अली भाई, सुजुकी बोलान कौन सा मॉडल लेके हैं? 2017 का मॉडल लेके हैं। अच्छा इसमें खामियाँ बताइएगा और फिर अच्छाइयाँ भी बताइएगा बाद में। खामिया तो कुछ है नहीं, कोई काम में वो कलम वगैरह की कोई टचिंग हुई भी है? हाँ हल्का फुल्का हुआ है। अच्छा ये लग गई थी गाड़ी? नहीं लगा हुआ नहीं है। अच्छा लगा हुआ कल्टी मल्टी नहीं भाई, लकीरें मकीरें उसको बस कलम पॉलिश की है, ठीक है। हाँ बाकी ये ना काम वाम किया है, इसमें सिस्टम भी लगा है, सीटें भी नहीं है, जंगले वंगले सब काम वाम नहीं है, इंजन से भी सही है। सही। अच्छा सीएनजी पेट्रोल किस पर है? नहीं पेट्रोल पर। शहर में कितना अंदाजन किलोमीटर दे देती है? चौदह पंद्रह किलोमीटर दे देती। अच्छा ये बताइएगा कि जो है टैक्स वगैरह क्लियर है? सब कुछ क्लियर है। शावर वगैरह इंटीरियर बाहर बाहर? नहीं ओरिजिनल कंडीशन में जेन्युइन है। अच्छा ये बताइएगा कि क्या डिमांड रखी हुई है इसका? 9 लाख रुपए डिमांड। 9 लाख रुपए देनी कितने में? देनी है 8,80,000 रुपए। 8,80,000, 9 लाख रुपए की डिमांड है, 8,80,000 रुपए में देनी है। अच्छा ये बताइएगा आपसे कोई फोन करता है वो बोलता है यार आपकी वीडियो देखी है यूट्यूब पे उमर वकार के नाम पे, अब ये बताएं हमारे नाम के ऊपर 80 में से कुछ है मजीद गुंजाइश? अगर हमारा कोई तो फोन करके हमारा नाम लेता है तो और कितनी मोहब्बत हो जाएगी हमारे नाम पे? सही हो जाएगा। कितनी? 5,000, 2,000, 10,000 क्या मोहब्बत हो जाएगी? 10,000 और कम। 10,000 रुपए की मोहब्बत हो जाएगी भाई आपके लिए हमारे नाम पर। अच्छा कहाँ पर आके गाड़ी देख सकते हैं? ये साइड एरिया मेट्रोविल, मेट्रोविल साइड एरिया में आके आप गाड़ी देख सकते हैं। भाई ने डिमांड बताई है, ठीक है। 2017 का ये मॉडल है। इस किसी को भी बाइक चाहिए हो भाई से कांटेक्ट करके गाड़ी ले, नंबर बता दीजिएगा 0340-2640-450। ठीक है भाई, कांटेक्ट नंबर भी आ गया, जिस किसी को भी चाहिए हो भाई से कांटेक्ट करके। तो ये एक और मॉडल यहाँ पर है मेरे पीछे, सुजुकी बोलान 2016 का मॉडल है। अच्छाइयाँ बुराइयाँ आपको दिखाते हैं और फिर जो है मालिक बात करते हैं। तो जी ये है सुजुकी बोलान 2016 का ये मॉडल है, आपको मैं इसको जो है इसका रिव्यू कर रहा हूँ। ये जी आ गई है आपका रूफ, रूफ के बाद जो है आपकी विंड स्क्रीन के बाद जो है इसका मडगार्ड वगैरह लगा हुआ है, बोनट वगैरह, लाइट वगैरह अच्छी लुक दे रही है गाड़ी को, आप ये लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसकी जो है ड्राइविंग साइड की तो ड्राइविंग साइड से भी गाड़ी यहाँ पर साफ़ सुथरी है। ये ड्राइविंग साइड से गाड़ी जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, गाड़ी ओवरऑल यहाँ से ड्राइविंग साइड से भी साफ़ सुथरी है। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ये हल्का सा कलर में कुछ है, मतलब बाकी गाड़ी साफ है, किसी किस्म की पीछे फिलहाल कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं आपको इसका टायर दिखाऊं तो टायर भी जो है नॉर्मल कंडीशन के हैं, थोड़े से यहाँ से घिसे घिसे से टायर हैं, बाकी ओवरऑल बेहतर कंडीशन में है। व्हील कैप इन्होंने अच्छा लगाया हुआ है डायमंड स्टाइल में। बैक से अगर आपको गाड़ी दिखाऊं तो बैक से भी आप गाड़ी देख सकते हैं, बैक से भी गाड़ी यहाँ पर साफ़ सुथरी है, किसी किस्म की कोई जो है मुझे रस्ट या कोई स्क्रैचेज वगैरह नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर मैं आपको गाड़ी दिखाऊँ ये दूसरी साइड से, दूसरी साइड से भी गाड़ी साफ़ सुथरी, किसी किस्म की कोई स्क्रैचेज और डेंट वगैरह नज़र नहीं आ रहे हैं। इंटीरियर की बात करूँ तो इंटीरियर से मैं आपको गाड़ी दिखाऊँ, इंटीरियर से जो फोन के अंदर ये गाड़ी बनी हुई है, डैशबोर्ड आ गया, डैशबोर्ड के बाद जो इसका स्टेयरिंग व्हील आ गया, स्टेयरिंग व्हील के ऊपर भी इन्होंने कवर्ड किया हुआ है। इसके अलावा जो मीटर है,
मीटर के बाद जो है आपको मैं दिखाऊँ इसकी सीटें, तो सीटें भी 3 टोन के अंदर सीटें बनी हुई हैं, जो अच्छी लुक दे रही है गाड़ी को। अगर मैं आप सबको बैक से गाड़ी दिखाऊँ तो बैक से भी जो है गाड़ी अच्छी कंडीशन के अंदर है, और रूफ अगर आपको दिखाऊँ तो रूफ से भी जो है गाड़ी अच्छी तरीके से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, खैरियत है? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। सुजुकी बोलान कौन सा मॉडल लेके आए हो? ये 16 मॉडल है। 16 मॉडल है, अच्छा। क्या खामियाँ हैं, क्या खसूसियात हैं? बस गाड़ी VIP गाड़ी है, बिल्कुल साफ सुथरा गाड़ी है। शावर्ड है? नहीं नहीं, शावर नहीं, हल्की पुल्की टच अप है। नंबर प्लेट ओरिजिनल है? हाँ, दोनों ओरिजिनल है। अच्छा, क्या CNG पेट्रोल किस पर है? पेट्रोल पे चला हुआ है सिर्फ। ये बताओ क्या डिमांड रखी हुई है भाई इसका? 8,35,000 रुपए डिमांड रखी हुई है। देनी कितने में? देनी है 8,25,000 रुपए में देनी है। 8,35,000 रुपए की डिमांड है, 8,25,000 रुपए में देनी है। आपको कोई फोन आता है और बोलते हैं कि उमर वकार व्लॉग के ऊपर आपकी वीडियो देखी है, तो उमर वकार व्लॉग के ऊपर 8,25,000 रुपए के अलावा कितना डिस्काउंट दोगे ये बताओ? 5,000 रुपए डिस्काउंट। 8,25,000 रुपए में आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो कहाँ पे लाके गाड़ी देख सकते हैं? मेट्रो साइड एरिया। मेट्रो, ये भी मेट्रो साइड एरिया की गाड़ी है भाई। कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दो अपना। 03492566670। भाई का कॉन्टेक्ट नंबर आ गया है, जिस किसी को भी चाहिए हो भाई डिमांड बता दिए। उमर वकार का आप नाम लोगे तो 5,000 रुपये का आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Yeah.